फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज़ योर SOP। तो बेसिकली ये फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है कि आप यही सीक्वेंस फॉलो करें, आप इसमें बहुत चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। टाइट पहले देखिए, एक मैं बेसिक्स आपको बता दे रही हूँ फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो पहले आप टाइटल लिखेंगे या जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि मेरा टॉपिक हो सकता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन आर इकोनॉमी, तो योर इकोनॉमी। उसके बाद इसका एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफ में प्रॉब्लम क्या है वो लिखेंगे, और इसमें हमें बहुत प्रेसाइज रहता है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो भी हमने लिटरेचर पढ़ा उससे रिलेटेड हार्मफुल प्रोडक्ट से वो हम लिखेंगे। फिर हमने देखा कि बहुत सारे लिटरेचर पढ़ के हमें गैप पता चला कि बहुत सारे तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जो हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उस पर अभी तक उतनी रिसर्च नहीं हुई है क्योंकि इस हद तक हमारे इकोनॉमी में हार्मफुल है। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, या तो मैं रिसर्च नेक्स्ट, फिर मैं रिसर्च क्वेश्चन बताऊंगी या रिसर्च हाइपोथेसिस, दोनों में से एक जो मेरे सूटेबल रहेगा एज पर माई टॉपिक एंड एज पर माई स्टडी। फिर मैं रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें मैं मेथडोलॉजी बताऊंगी, डेटा कलेक्शन मैंने कैसे किया है प्राइमरी से सेकेंडरी से मैं बताऊंगी, मेथडोलॉजी मैंने क्या अपनाई है, मैंने क्या पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया है, मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फिर मैं कॉन्क्लूजन बताऊंगी कि मैंने स्टडी से क्या फाइंड आउट किया है। फिर मैं रेफरेंसेस भी यहाँ पे दूंगी। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल सा मैंने बताने की कोशिश की है कि एक रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या रहता है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का फॉर्मेट क्या रहता है। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।